भागवत का पाठ कर लिया अपने पिता से है? और पहला प्रवचन उस समय हुआ, इस साल बाद हुआ। परम पुराण में इनका विशद विवेचन है। श्री शनकादि ये बात पूछ रहे हैं कि ये कथा का उपक्रम क्या है उनका, वो कैसे, कौन कौन व्यक्ति उनको श्रवण किए। इसके लिए उनके उत्तर में सुदगत संपाद कहते हैं, आकृष्ण निर्गमा 63 वर्ष अधिक गते कलो नवमीतो नवस्य चकथा आरंभम सुखो अकरो। कहते हैं ठीक कृष्ण जाने के बाद 30 साल के बाद माघ मास की नवमी को, उज्ज्वला नवमी को सुखदेव गोस्वामी पाद ने परीक्षित के लिए कथा आरंभ किया। अच्छा, उनके बाद में कहते परीक्षिता चवणान्ते चकलो वर्ष सतत त्वये। परीक्षित महाराज तो कथा श्रवण करके उनका वैकुंठ गमन हुआ। उनके बाद में कहते हैं कि बाद में एक उज्ज्वला नवमी को कहते हैं उन धेनुज कथता, धेनुज कहते हैं गोकर्ण जी को जिनका जन्म गाय से हुआ था। परंपरा में कथा तो वो गोकर्ण जी ने अपने भाई को कथा श्रवण कराया, उनका भाई प्रेत उनको प्राप्त हो गया था धुंधुकारी की कथा वहां दी गई है। उन आत्मदेव ब्राह्मण का कोई लड़का नहीं था, वो कथा उसमें बताई गई है। और किसी सन्यासी ने उनको जबरदस्ती लड़का दिया, लेकिन वो लड़का एक फल दिया था, वो फल तो गाय को खिला दिया और उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने एक उनकी बहन का लड़का ले लिया था। वो लड़का आत्मदेव को बहुत दुख दिया और वो जंगल चले गए, उनकी माँ मर गई और धुंधुकारी महान चोर और अठंग बदमाश हो गया और जितना माँ के पास धन था वो मारपीट करके लेने लगा धुंधली के पास। उनका ही कर्म था, वो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण की वंचना किए थे, ब्राह्मण के साथ चीटिंग किया था ना, क्या वो फल उन्होंने खाया नहीं, गाय को दे दिया था और वो गाय से जो उत्पन्न हुआ उसके साथ वो पुत्र दूसरा ब्राह्मण के यहाँ वो था गोकर्ण, जिनका कान गाय के समान था केवल, बाकी शरीर उनका मनुष्य का था। तो धुंधकारी के कुकर्म से तंग आकर के वो भी चले गए थे तीर्थाटन करने के लिए और इधर धुंधकारी ने 4-5 वेश्या को घर में ला करके रखा और घर का धन खलास कर दिया। उनके बाद में वो वेश्या जब डिमांड करती थी धन का तो वो बहुत बहुत धन चोरी करके प्राप्त करता था। एक दिन वो बहुत सारा धन लेकर के आया, उन चारों वेश्याओं ने सोचा कि ये तो, उन्होंने पूछा कहां से आया, बोले आज तो राजा का खजाना तोड़ दिया। वो वेश्या लोग सोच रहे थे कि राजा का खजाना तोड़ने वाला व्यक्ति को तो पकड़ा जाएगा कभी न कभी और ये दल्ला भी हमारा से चला जाएगा, क्यों नहीं रात में उसको काम तमाम कर दे। तो वो लोग ने उनको जब खुद शराब पर पिया था उस अवस्था में वो लोग ने उनको मारना चाहा तो फांसी लगाई, खींच रही थी दो दो साइड गले में रस्सा डालकर, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि बहुत पापी था इसलिए वो मरा नहीं। फिर उन लोगों ने उनके मुख में आग भरा खूब और इसी प्रकार महापीड़ा से उनका प्राण छूटा और वैश्य लोग तो
थोड़े दिन के बाद में लोग पूछते थे तुम्हारा पति कहाँ गया, बोलते वो विदेश कमाने के लिए गया है, और घर में ही गाड़ दिया था उनको खड्डा खोद करके, उनके अपने घर में गाड़ दिया और वो महाप्रेत हो गया घर में। एक बार घूमते घामते गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी ने तीर्थाटन में सुना था अरे तुम्हारा भाई का मृत्यु हो गया, तो गया जाकर के साध्य कर्म किया था गया में, गया जी इंडिया में गया जी है वहां साध्य कर्म होता है, तो साध्य खूब डाला था उनका। उन्होंने सोचा कि चलो घूमते घामते वापस अपने गांव में आए, तो घर तो कोई है नहीं लेकिन अपने घर में रुकेंगे कहाँ जाएंगे, तो घर में गया तो रात्रि में वो प्रेत उत्पन्न हुआ। वो कभी आग का रूप लेकर के, कभी हवा का रूप लेकर के, यहाँ जबरदस्त हवा बहती थी, और कभी पादा होकर के बारंबार सोच लिया कि कोई प्रेत आत्मा है। उन्होंने अपने कमंडल से अंजलि लिया, वो तो महातपस्वी थे, उनके ऊपर छिड़का, उनको स्थगित किया उनके कार्यकलाप को, स्थित रहो तुम, बताओ तुम कौन हो। और तब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बोलते तुम प्रेत प्रेत कैसे बन गए? बोलते इसलिए मैं प्रेत बन गया क्योंकि मेरा कुकर्म इतना जघन्य था। फिर वृतांत को कहा और सारा वृतांत सुना, बोले मैं तो तुम्हारे लिए पिंडदान गया में किया, बोले हजार बार पिंडदान करो इससे मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है, दूसरा कोई उपाय इससे श्रेष्ठ उपाय आप खोजो। अब गोकर्ण जी सबको पूछने लगे, बड़ी बड़ी विद्वानों की सभा जहां होती थी, गोकर्ण जी का एक प्रश्न होता था कि बताइए जो जगत में प्रेत योनि को प्राप्त होगी जिनका उद्धार कैसे हो सकता है। कोई कहता था गीता अध्ययन करो, कोई बोले ये तो कर लिया, गीता पाठ से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कोई यज्ञ से, कोई धर्म के आचरण से, बोले गया तो सब कुछ तो करके बैठे थे, उनके लिए सब कुछ किया था लेकिन उद्धार नहीं हुआ था। तो वो बोलते गए और अनेक तपस्वियों को विद्वानों को पूछने पर भी जो पता नहीं चला, तो श्री गोकर्ण जी ने एक दिन अपनी तपस्या के बल पर सूर्य को स्थगित किया और सूर्य को पूछा कि सूर्यदेव आप भूत भविष्य वर्तमान सब काल को जानने वाले हैं, इसलिए सुनिश्चित आप जानते होंगे कि प्रेत योनि को प्राप्त जीव का उद्धार कैसे होता है। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराइए प्रेत को। तो ये परीक्षित महाराज के जाने के बाद ये दोबारा कथा अपने भाई के लिए प्रेत को एक खंभे में एक बांस के जो खंभा था प्यासासन बनाने के लिए खंभा लगा था बांस का, उन बांस में अंदर बिठाया और फिर कथा प्रारंभ किया और एक एक दिन में एक एक गांठ टूटती गई, छत 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 छत, और सातवें दिन सब लोग के सामने वैकुंठ से उनके लिए अप्लाई कर दिया और वो प्रेत योनि से उद्धार किया। ये है श्रीमद् भागवतम, ये भागवती कथा जैसी तैसी नहीं, प्रेत योनि से जब उद्धार करती है तो वर्तमान में जो पाप करने वाले लोग हैं उनके पाप ताप को काट करके उनको चित्त को शुद्ध करेगी, उनमें कौन नया बात है। इसलिए कुंती जी कहती है कि श्रीवंती उनका श्रवण करने वाला है। मैं कह रहा था कि यही इसीलिए उनका बैठ करके लोग श्रवण करते हैं, जहां भागवतम का पाठ होता है वहां बैठ करके कि ये प्रेत योनि से भी उद्धार करने वाला ये श्रीमद् भागवतम है, इसीलिए उनका पाठ ठीक है, उनका श्रवण करना चाहिए। इसलिए लोग भागवतम के नाम पर तुरंत जुट जाते हैं, भगवत गीता का प्रवचन तो कोई नहीं आएगा ज्यादा, भागवतम है चलो चलो, क्योंकि फलश्रुति इतना महान है। अच्छा उनके बाद में कब कथा हुई
और उनका क्या फल हुआ सुन लीजिए थोड़ा, क्योंकि महिमा यही महिमा कुंती जी गाती है। श्रवण भी गाय इनकी, उनका जो श्रवण करते हैं, उनका जो कीर्तन करते हैं, उनका जो गान करते हैं, कीर्तन को सुनने के लिए नहीं है कथाओं को, तो स्वयं गाते हैं उन श्लोकों को। श्रवंति गायंती, इसी से रस मिलता है अद्भुत। व्यक्ति जब अकेला है उन कथाओं उन श्लोकों को गाएगा समझ करके, उनके हृदय में अमृत उगलता अपने आप। क्योंकि तो भगवान की कथाएं इतनी अद्भुत है, वो दिव्य शरीर से किए गए कार्यकलाप है, हमारे जैसे कर्म के काम मिले हुए देह से किए गए कर्म नहीं है, उन किए गए कर्म से मिला हुआ शरीर नहीं है भगवान को, वो अजम्मा है। अर्थात उन कर्म बंधन से उनका जन्म नहीं होता है, वो लोगों का दुख को देख करके यहाँ पर अवतार लेकर के उन दिव्य कर्मों को संपन्न करते हैं ताकि लोग उनको गाए, पीछे आने वाली जनता उनका गान करे। थोड़ा अनुक्रम देख लेते तो उनके बाद में कहते तस्माद अपि कलो प्राप्त तिष्ठत वत्स गति सती उचुल उचिन सिद्ध पक्ष नर्मम ब्राह्मण सुता। उनके बाद में कहते हैं कि कलयुग का और 30 साल बीता, 30 साल के बाद भगवान गए, 30 साल के बाद पहला प्रवचन भागवतम का परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया, दूसरा प्रवचन उनके 200 साल बीतने के बाद हुआ, वो धुंधुकारी के लिए गोकर्ण में कथा किया, और तीसरे का बात बता रहे हैं कि जब कलयुग का और 30 साल बीता उनके बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार इत्यादि ने यह प्रवचन किया। किसके लिए किया? नारद जी उनको मिले। अच्छा, नारद जी का कुछ प्रश्न था, उन्होंने एक युवती को देखा था वृंदावन में। जब नारद जी वृंदावन चले गए घूमते घामते तो एक अत्यंत सुंदर युवती और रो रही थी और दो बूढ़े आदमी सोए हुए थे और उनके लिए वे शोक करके रो रही थी। तो नारद जी ने उनको पूछा कि तरुण तुम कौन हो? तो वो तरुणी और कोई नहीं थी, भक्ति थी। तो भक्ति ने अपना कथा प्रारंभ किया, देखो मेरा जन्म उत्कल देश में हुआ, द्रविड़ देश दक्षिण में, वहां मेरा जन्म हुआ और महाराष्ट्र इत्यादि में थोड़ा थोड़ा बढ़ी, लेकिन गुजरात में गई तो वहां लोगों ने मेरे पैर तोड़ दिए। मैं वहां से बात करके सीधी वृंदावन आई और वृंदावन को प्राप्त होकर के मैं युवती हो गई, भक्ति बोल गई। तो ये दोनों कौन है? तो बोलते ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। बोलते वृंदावन को प्राप्त होकर के भी ये लोग बूढ़े ही रह गए, अब मेरी चिंता का कारण है कि माँ तो युवती है और बच्चे लोग माँ के पहले बूढ़े हो गए हैं। तब नारद जी ने प्रण लिया कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को युवा करूंगा, चिंता का कारण नहीं है, और मैं इस कलयुग में, इसी युग में, इस कलयुग में मैं तुमको घर घर और जन जन के हृदय में स्थापित करूंगा। चिंता की बल, तुम तो भगवान की महान शक्ति हो, वो ऐसी शक्ति जो भगवान तुम्हारे द्वारा बस में आ जाते हैं, इसलिए मैं उनका प्रचार करूंगा, करवाऊंगा लोगों से। ऐसा पद्म पुराण की एक कथा में बता रहा हूं, इसमें नारद मुनि ने ये बात कहा। मैं कहते गेहे गेहे जने जने, उन घर घर और जन जन के हृदय में मैं स्थापित करूंगा। ये नारद जी का प्रण है, क्योंकि नारद जी जानते थे आगे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये सब लोग कृष्ण बलराम अवतरित होने वाले, इसी को देख करके नारद जी ने पहले से आगाह कर दिया था। भक्ति को बोला मैं तुम स्थापित करूंगा, चिंता का कोई कारण नहीं है। और उनके बाद में वो गीता का पाठ उठाया, गीता पाठ किया, पुराण का पाठ किया,
लेकिन वो लोग हिले तक नहीं किसी से। अब नारद जी चिंतित हो गए कि इन लोग को जगाने का क्या उपाय है, तो नारद जी बुद्धि पर घूमने लगे उपाय पूछने के लिए, भक्ति को वृंदावन में छोड़ करके। तो वो चले गए बद्री का आश्रम, जा रहे थे बद्री का आश्रम, तब तक बीच रास्ते में हरिद्वार में वहां पर चतुष कुमार मिल गए और उन चतुष कुमार को ये प्रश्न पूछा कि साक्षात भक्ति जो भगवान की, भगवान को वश करने वाली भक्ति है, वो भक्ति दुखी है, उनके दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। मतलब क्या नारद जी आप उपाय पूछ रहे हैं, आप तो जानते हैं। बोले क्या मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। बोला आप जानते हैं उपाय को, आप पूछ रहे। आश्चर्य का बात, कोई बुद्धू पूछे हमको, आप तो जानते हैं। बोले नहीं मैं नहीं जानता, इसलिए तो मैं घूम रहा हूं, आपका दर्शन हुआ है इसलिए आपको पूछा इसका उपाय क्या है। बोलते नारद जी आप जानते हैं, आपने तो उपदेश किया है वेदव्यास महाराज को और आपने ये संकलित करवाया है। सब लोग भागवत का बात कर रहे हैं, वही भागवत का हम लोग बात कर रहे हैं। बोलते वो इतना पावरफुल है। नारद जी भी आश्चर्यचकित होकर, तुमको इतना शक्तिशाली ग्रंथ है, हम तो गीता पाठ सुनाए, कुरान का पाठ सुनाए। तो बोलते नहीं, अभी जो नवीन कृति है ना वेद व्यास महाराज की, अभी 200-300 साल पूर्व लिखा गया आपकी कृपा से, इनको पाठ कीजिए। बोलते तो और क्या, आप पाठ कीजिए, मैं सोता रहूंगा और चालू करते। बोलते ठीक है। तो आनंद आश्रम वहां ऋषिकेश में एक स्थान है गंगा के तट पर, और वहीं पर कथा प्रारंभ। कल ऋषि ने निमंत्रण भेजा सबको, ऋषि मुनियों को, इत्यादि को, और बड़े बड़े लोग के, जहां वक्ता चतुष कुमार है भागवतम का और श्रोता नारद जी है, वहां कौन नहीं जाएगा। तो वो लोग सारे ऋषि मुनि दौड़ दौड़ करके, और जो लोग नहीं आ रहे थे तो उनको समझा बुझा करके दूसरे ऋषि लोग लाए, आइए आइए आइए, उसको सुनिए। बोलता नहीं हमको टाइम नहीं है, हम तो योग ध्यान डालना। बोलो इसको सुनिए ना एक बार, बाद में ध्यान डालने में 7 दिन का बात है, 7 दिन उनका श्रवण कर लीजिए, उनके बाद में ध्यान डाल। तो उनको भी बुला करके लाए और बहुत बड़ा ऋषियों का समूह के बीच में नारद जी प्रधान श्रोता और वक्ता चतुष कुमार। और जब कथा का गायन प्रारंभ हुआ और उनका महिमा पाठ चल रहा था, तब भी तुरंत भक्ति देवी प्रकट हो गई और दोनों उनके पुत्र युवक होकर के नाचने लगे। बोले केवल महिमा से देखो नारद जी, आपने क्या बात वेदव्यास महाराज को बताया है, ये भागवती कथा है, इसलिए कुंती जी गाती है सुनवन की, इसको श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य तत्काल युवक। हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य है, मरे हुए हैं, ज्ञान भी प्राय मृत प्राय हो गया है, अज्ञान ने दबोच दिया है ज्ञान को, और वैराग्य तो है ही नहीं। जिसे देखो भोगू भोगू, यह सोख लू, इसको कर लू, यह ले लू, वैराग्य है ही नहीं। इसीलिए हम कठिनाई में फंसे हुए, अविद्या ग्रस्त माइंड इसको बोलते हैं। हमारा ज्ञान और वैराग्य सोई हुई अवस्था में पड़ा। जब श्रीमद् भागवतम का कथा कुंती जी बोलती है, उनको कोई श्रवण करेगा, उनका गान करेगा, उनका कीर्तन होगा, तो कीर्तनकारी व्यक्ति, श्रवणकारी व्यक्ति, उन सब के चित्त में ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा, जीव भी दुखी रहेगा। इसलिए वो जीव दुखी है कि अज्ञान के कारण वो कर्म बंधन में डालने वाला, उन कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, उनके बाद में जीव के हृदय में एक कामना उत्पन्न होगी केवल, और वो कृष्ण कामना।
क्योंकि इतने सुंदर भगवान का कथा कीर्तन जब सुनते हैं तो उनके सुनने के बाद भगवान में प्रीति हो जाती है और व्यक्ति का स्वाभाविक वैराग्य वासुदेव भगवती भक्तियों को प्रयोजित जन इतिहास वैराग्यम ज्ञानम चयत हितम श्रीमद भागवतम शुद्ध गोसाइन के ऋषिमुनियों को पहले बता चुके। भगवान वासुदेव में भक्ति होते ही व्यक्ति के चित्त में ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। जरूरत नहीं है उनको कोई क्लेश करने की, योग साधना करने की, ध्यान धारणा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी चित्त शुद्धि अपने आप होकर के उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वो समझ पाएगा कि मुझे करना चाहिए, नहीं करने लायक। इसीलिए महाराज परीक्षित दशम स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक बोले हैं, आइए जरा इस श्लोक को पाठ कर लेते हैं। वो कहते हैं कि निवृत्त तरसिर उपगीज महाराज भव औषधम छोत मनो विरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवाद कुमार विरचित बिना पशुनाथ। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद भागवतम के प्रथम दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक है। निवृत्त तरसिर उपगीज महाराज परीक्षित महाराज हरि कथा का सराहना करते हुए कहते हैं कि सुखदेव गोसाई पर उन कृष्ण लीला का आप वर्णन कीजिए। क्यों बोले जिस कृष्ण लीला को निवृत्त तर से इस संसार के भोग की कृष्णा जिनकी निवृत्त हो गई है, ऐसे परमहंस चुड़ावनी इत्यादि लोग भी इनको बारंबार पीते हैं। निवृत्त तर से एक तृषा है, हम लोग को एक प्यास है। क्या प्यास है? तर्षण है भोगों का, यह भोग लू, इसको कर लू, ऐसा करने से सुख मिलेगा, कभी किसी को नहीं मिलेगा, तुमको कैसे मिलेगा? कोई सुखी हुआ है संसार में? कोई नहीं। कैसे हमको मिल जाएगा? ये जान करके ज्ञानी लोग इन तृष्णा को छोड़ दिए हैं, भोग की तृष्णा को। वो बुद्धिमान लोग हैं, भले निवृत्त तर से उन तृष्णा को छोड़ने वाले जिनका मन उपराम हो गया है, ऐसे महान मुनिगण भी की मानात उनका गान करते। सुखदेव गोस्वामी पाद, ये तो विदित घटना है कि सुखदेव गोस्वामी पाद मुक्त होकर के माता के गर्भ में वेद व्यास महाराज की प्रार्थना से प्रवेश किया था, एक मुक्त आत्मा प्रवेश किए थे, लेकिन उनका चित्त भी भगवान के उन श्लोक से वो बिल्कुल विचलित हो गया। अहो पत्नियम स्तन काल कृतम, ओहो हो इतना करुणा में कोई व्यक्ति है संसार में कि किसकी लीलाओं का गान हो रहा है। श्रवण करने के लिए भागवतम पाठ श्रवण किया, जंगल से वापस आए तो व्यास और सुखदेव गोसाई पाद कहते हैं आप जैसे महात्मा उनका गान करते हैं, कहते हैं कि भव औषधा छोट मनोभी रामान, कहते हैं जो भवरोग के रोगी है हमारे जैसे, जिनको हृदय में कामना है रोगों की, उनके लिए तो औषधि है, औषधि महा औषधि। वो जैसे पीता जाएगा और सने सने धीरे धीरे उनके रोग निवृत्त होते जाएंगे। रोग क्या है? भोगों की वासना, भोगों की लालसा। जैसे जैसे भागवत हम श्रवण करते हैं हमारे हृदय में से रोग निवृत्त होते जाते हैं, उनकी वासना उनकी कामना चली जाती है। तो भोग चाहने वाले के लिए महा औषध भव रोग का औषध है, अमोघ औषध कि कभी निष्फल जाने वाला औषधि नहीं है, फेल करने वाला औषधि नहीं है। उसका बारंबार वर्णन आता है अनेक तरीके से इन हरि कथा के गुणानुवाद गाते हुए अनेक महापुरुष श्रीमद् भागवतम ने बात को गाए हैं। स्वयं भगवान अपनी लीला कथाओं से चकित हो जाते हैं, उनके ही किए गए कार्यकलाप है, लेकिन जब वो पुनः द्वारिका में उनको श्रवण करते हैं
स्तंभित होकर के जगन्नाथ जी के रूप में हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र विस्फारित। जगन्नाथ जी है ना जगन्नाथपुरी में, इंडिया जगन्नाथपुरी में, वो भगवान का ही रूप है। वो कैसे ऐसा हो गया था, अपनी ही कथाओं को सुन करके उन अष्ट सात्विक विकार भगवान में उत्पन्न हुआ। क्या वो कथा होगी, स्वयं भगवान को भी प्रेमी उन भगवान के हृदय में भक्ति भर देते हैं, प्रेम भर देते हैं। उन प्रेम के विकार से भगवान का हाथ अंदर घुस गया, बड़े बड़े नेत्र हो गए, वो ग्रीवा अंदर घुस गई, पैर अंदर घुस गया। यही स्वरूप जगन्नाथपुरी में विराजमान है। नारद जी ने इस स्वरूप को देखा था। ये कथा का पावर है, जो साक्षात कृष्ण को स्वीकार कर देती है। उन अद्भुत जो कथा है, जीवों का रोग विस्तार करेगी, भव रोग, कौन बड़ी बात है, इसको कहते हैं निकृत तरसिल माना। और कहते भव औषध छोट, श्रवण करने वाले के लिए, भव रोगी जो श्रवण करता है उनके लिए तो औषधि समान है, हम सब लोग के लिए औषध। और जो मुक्तात्मा उनका श्रवण करते हैं उनके लिए टॉनिक, वो तगड़ा होता जाएगा, जितना पिएगा टॉनिक उतना स्वास्थ्य बढ़ता जाता है। उस विकार मुक्तात्मा के लिए टॉनिक का काम करती है, और भव रोगियों के लिए उन रोगों का निदान स्वरूप इसको बताया गया है दवाई के रूप में। और अत्यंत तीक्ष्णता के साथ हरिकथा आत्माराम मुनिगण सुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी बात पाठ कर रहे थे जब पहली बार भागवतम का, लाखों लाखों की संख्या में मुक्त आत्मा जीवन में बैठे हुए, उस टाइम पूरा हिमालय खाली हो गया था। सुना कथा हो रही है, सब लोग आकर के बैठ गए थे, बड़े बड़े योगी सोगी सब लोग, निराकार वादी साकार वादी जितने भी वाद है वो सब वादी लोग आकर के बैठ गए और कथा श्रवण कर रहे। और सुखदेव गोस्वामी पाठ इन सारे समूह को ध्यान में रख करके इसी प्रकार हरि कथा को दे रहे थे। तो उन कथा के बाद में सब लोग शराबों हो गए, भगवत रस से सब लोग भावित हो गए। और महाराज परीक्षित वो देखते देखते सब लोग को देखते देखते वही कुल चले गए। और उनके बाद में तक्षक आकर के उनकी डेड बॉडी को जलाता है, निश्चित उनकी बॉडी जल गई। लेकिन तब तो सबने देखा कि परीक्षित महाराज चले वैकुंठ। एक प्रेत को गोकर्ण जी भेजे, अभी कथा सुन ले। परीक्षित महाराज और हम लोग तो मनुष्य हैं, एक प्रेत योनि अत्यंत पापी जीव की गति रुक जाती है, उनकी दुर्गति उनको कहते हैं, गति रुक जाना अत्यंत दुर्गति, अर्थात उनको प्रेत शरीर में रखा जाता है। भोगों की लालसा तीव्र जिसमें होती है, लेकिन शरीर नहीं होने के कारण, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होने के कारण भोग कर नहीं पाएगा, और माया उनको दंड देती है। खूब भोगा है ना, खूब पाप किया है ना भोगने के लिए, अभी उनको देख करके जलो और मरो, शरीर ही नहीं दिया माया ने, उसको कहते प्रेतात्मा। तो दूसरा जो भोग करता है तो उनको देख करके उनका हृदय जलता है, तो मेरी आइटम ये खा रहा है, लेकिन उनके पास शरीर नहीं है। इसलिए प्रेत उन दूषित जो जीवात्माएं होते हैं उनके ऊपर आयु होकर के उनके शरीर का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की चीज खाता है, वो दो आत्मा ऐड हो जाती है उसमें, उनको प्रेतग्रस्त मुनि प्रेतग्रस्त लोग बोलते हैं। इन्होंने प्रेत को ग्रसित कर दिया, नहीं उसी प्रकार उन माया रूपी डाकिनी ने हमारे चित्त को ग्रसित कर लिया। हम लोग भी पेट लगे की तरह घूम रहे, क्या मिलेगा इधर, क्या मिलेगा इधर, क्या है यह ले लू, इसको कर लू, यह करने से सुखी होगा, ये कोई नहीं हुआ, तुम कैसे हो। बस ये प्रवृत्ति चालू है। इसे कहते हैं कि व्यक्ति को इन भवरोग से, इन कामनाओं से त्रस्त अवस्था में अपनी दवाई के लिए भी बैठना चाहिए। ये दवाई है, ये इतनी सुंदर टैबलेट है कि वो कड़वा नहीं लगेगी। क्योंकि ठाकुर बोल रहे इसमें कहते हैं मनु
कि छोटे मनु अभिरामा, ये कड़वी नहीं है, मीठी है। भगवान के गुणानुवाद इतने सुंदर है। कड़वा तो वो है, योग में बैठो, प्राणायाम करो, प्राण को ऊपर चढ़ाओ, और ये नहीं चलता, बोलते मर करके भी